हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन के बारे में आपको बताएंगे। ये हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन है, ये बाथरूम में लगता है और इसे एयर फ्रेशनर भी कहते हैं। ये ख़राब हो गया है और आइए इसे चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और हम इसके स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे बगल में एक स्क्रू लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा एक कैपेसिटर और कनेक्शन के वायर आए होते हैं। इसको हम खोल के हम इनको बाहर निकाल लेंगे और सभी कनेक्शन को अलग-अलग कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इस मोटर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और आप अपने घर के एग्जॉस्ट फैन के मोटर को बड़े ही आराम से आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमारे पास जो ये कैपेसिटर है, ये 1 MFD का कैपेसिटर है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पे 1.00 MFD लिखा हुआ है जो कि इसमें लगता है। और अभी हम इसके वायर को भी हम बाहर निकालेंगे। इसमें 3 तार आए हुए हैं मोटर के अंदर से, 3 कलर के वायर हैं इसमें, रेड, ब्लू और ब्लैक। दोस्तों, पहले हम इसके पंख को खोल लेते हैं और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारा पर निकल चुका है। अब इस पे थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है, धूल मिट्टी वगैरह। इसको हम पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे हमारे स्क्रू अच्छे से दिख जाएं। हमें पहले इस स्क्रू को खोलना होगा और उसके बाद हम मोटर को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो बिल्कुल ही ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, कोई फेक नहीं। जो भी होगा आपके सामने होगा। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप मोटर को रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोटर को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके जो पीछे से तार आए हुए हैं इसको हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम इस मोटर को हम आगे साइड से बाहर खींच लेंगे। ये देखिए, इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी मोटर बाहर निकल आती है। दोस्तों, इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे 30 वाट लिखा हुआ है। ये मोटर 30 वाट की है, सिंगल फेस। मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। हमें इन तीनों को खोलना होगा, इसके बाद हमारी मोटर खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसके स्क्रू को खोल लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपका जो भी
उसका जवाब होगा दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसके तीनों स्क्रू खोल लिए हैं, और इस मोटर को खोलने से पहले मैं इन तारों के जो कनेक्शन सीरीज से चेक करते हैं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हम मोटर को बाहर से कैसे चेक कर सकते हैं कि मोटर हमारी ठीक है या नहीं। तो ये हमारा सीरीज लैंप है, इसको हम ऑन करते हैं और ये देखिए ये बल्ब हमारा जल रहा है फुल सीरीज लैंप का। और अब हम बाइंडिंग के तार के कनेक्शन को चेक करके दिखाते हैं आपको। इसमें एक लाल तार है, एक नीला है और एक काला है। तो दोस्तों पहले हम सीरीज के एक तार को लाल तार पे लगाते हैं और दूसरा तार हम ब्लू पे लगाते हैं। देखिए दोस्तों इसके साथ हमारा सीरीज का बल्ब हल्का ग्लो कर रहा है, और ये देखिए दोस्तों अभी हमारा ये ब्लू के साथ हल्का ग्लो कर रहा है। और इसके बाद हम एक तार सीरीज का रेड पे और दूसरा हम ब्लैक पे लगाएंगे। तो इसके साथ देखिए दोस्तों हमारा बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ब्लैक के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, जबकि ब्लू के साथ हमारा बल्ब कम ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों हमारा ब्लू के साथ कनेक्शन ठीक दिखा रहा है और ब्लैक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ब्लैक वायर है वो बाइंडिंग के साथ कनेक्शन से हट चुका है या जल गया है। दोस्तों अब इसके बाद हम एक टेस्टिंग और करेंगे, जो हमारे ये वायर हैं ये इस बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या कहीं अर्थिंग तो नहीं ले रहे हैं। तो तारों में से किसी भी एक एक तार में हम टच करेंगे और दूसरा तार बॉडी के साथ टच करेंगे, तो हमारा सीरीज बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला है, इसलिए हमारा कोई भी तार बॉडी से अर्थ नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मोटर को खोलते हैं। सबसे पहले इस शाफ्ट के ऊपर एक छोटी सी रिंग लगी हुई है, इसको हम पहले बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये रिंग पंखे को रोकने के लिए लगी होती है ताकि हमारा पंखा मोटर में टच ना हो। ये दोस्तों एक रिंग लगी हुई है इसके ऊपर, अब इसके हमने बाद बाहर निकाल दिया है। इस मोटर को इस रिंग की सहायता से निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही सावधानी से निकालना होता है मोटर, नहीं तो अगर गलती से भी हमारा स्क्रू ड्राइवर या किसी बाइंडिंग में कहीं टच हो जाता है तो बाइंडिंग कट जाती है। तो दोस्तों ये मोटर हमारी खुल चुकी है और बाइंडिंग बिल्कुल सही है इसकी। दोस्तों अभी इसका एक भाग बचा हुआ है निकालने के लिए, हम इसको ही बाहर निकालते हैं जिस तरफ हमारे कनेक्शन है हमारे तार के। दोस्तों ये हमारा दूसरा भाग भी निकल चुका है और मैं आपको इसका बाइंडिंग का कनेक्शन दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए दोस्तों इसमें कनेक्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और इसके साथ में एक फ्यूज लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये देखिए। और ज़्यादातर मोटरों में यही फ्यूज होता है जो कि खराब हो जाता है, और ये फ्यूज कंपनी के द्वारा लगाया जाता है और ये हाई वोल्टेज आने से हमारी बाइंडिंग को बचाता है। ये पहले ख़राब हो जाता है और हमारी बाइंडिंग बच जाती है। तो हमें पहले इसी को चेक करना होगा दोस्तों कि हमारा फ्यूज़ जला है या सही है, कि हम बाकी मोटर को आगे भी खोलेंगे। अगर हमारा फ्यूज जल गया होगा तो हम इसको हम शॉर्ट कर देंगे आपस में। दोस्तों इसमें जो सिलाई हो रखी है पहले इसको हम कट करेंगे जिससे हमारा वायर फ्यूज का बाहर निकल जाए, और बहुत ही सावधानी से करना होगा क्योंकि यहीं पे हमारे बाइंडिंग के पतले पतले वायर भी होते हैं।
से बचाना है। दोस्तों इसमें जो ये फ्यूज लगा होता है, ये मोटर में जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ये इनके साथ सीरीज बनाते हुए लगा होता है, जो कि मेन सप्लाई से सीरीज बनाते हैं ये, उसके बाद सप्लाई वाइंडिंग में आती है। तो दोस्तों जब ये जल जाता है तो हमारी सप्लाई ब्रेक हो जाती है और हमारी मोटर बंद हो जाती है। ये इसका फ्यूज है, इसके मैंने तार को बाहर निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग है, हम इसको पहले काट के अलग करना होगा और हम फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम सीज लैंप के थ्रू चेक करेंगे पहले। तो दोस्तों अगर हमारा फ्यूज ख़राब निकलता है ये, तो हम जो इसके तार लगे थे फ्यूज के, हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और अगर सही निकलता है तो हम बाइंडिंग को आगे खोलना होगा हमें। तो दोस्तों ये स्विच ले लेते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों ये स्विच बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये अंदर से जल चुका है, और अगर ये सही होता तो हमारा बल्ब फुल ग्लो करता इसके साथ। ये नहीं जल रहा है बल्ब हमारा, इसलिए ये फ्यूज ख़राब है। तो दोस्तों अब हम जो इसके तार थे, हम उसको आपस में ट्विस्ट कर लेंगे और कनेक्शन आपस में जोड़ देंगे। और इसके बाद फिर हम बाइंडिंग कनेक्शन को चेक करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमने ये फ्यूज के तार को छील लिया है और अब हम इन तारों को आपस में जोड़ते हैं। दोस्तों अभी इसमें जो फ्यूज का दूसरा वायर है वो अंदर से निकल जा रहा है थोड़ा खींचने पर, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों खैर ये तार हमारा लगा हुआ है, अंदर से टूटा नहीं है, तो हम इस तार को आपस में यहीं पे जोड़ देंगे। दोस्तों पहले इसमें से जो हमारा तार बाइंडिंग से अभी निकला हुआ है, इसको हम पहले माचिस की तीली से जलाकर इसके ऊपर की पॉलिश को साफ कर लेते हैं, और जिससे हमारा कनेक्शन अच्छे से ज्वाइंट हो सके, और उसके बाद हम इसको आपस में ज्वाइंट करने के बाद सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम साफ कर लेते हैं पहले अपने नाखून की सहायता से, और इसके बाद अब हम इस तार को आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ये दोनों को आपस में जोड़ दिया है और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे कनेक्शन, और अब दोस्तों हम इसको हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डरिंग कर देंगे, जिससे हमारा ये मजबूत हो जाए।
दोस्तों सबसे पहले हम इसके जॉइंट पर थोड़ा सा वैक्स लगा लेंगे, इससे हमारी सोल्डरिंग अच्छे से चिपक जाती है। दोस्तों हमने ये सोल्डरिंग कर लिया है और हमारा तार बिल्कुल अच्छे से जॉइंट हो गया है और चिपक गया है। दोस्तों अब हम फिर से सीरीज के थ्रू आपको हम इसके बाइंडिंग के कनेक्शन को चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों सीरीज का एक तार हम रेड वायर के साथ और दूसरा वायर हम ब्लू के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों इस पे हमारा बल्ब देखिए जल रहा है, हाफ जल रहा है, और हम एक तार अब दूसरा हम लगाएंगे ब्लैक के साथ और एक रेड के साथ, तो हमारा बल्ब बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ब्लू वायर है ये रनिंग वाइंडिंग का हो गया और ब्लैक वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो दोस्तों हम ब्लू और ब्लैक के बीच में चेक करते हैं तो ये बहुत ही लगभग ना के बराबर हमारा बल्ब जलेगा, हमें दिखेगा नहीं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है रनिंग और बाइंडिंग के साथ फ्रीज में मिलकर। तो दोस्तों अब हमें मेन सप्लाई रेड वायर और रनिंग बाइंडिंग के तार ब्लू में देनी होगी। दोस्तों पहले हम इसमें जो हमने बाइंडिंग के धागे खोल रखे थे उसको हम पहले दूसरे धागे से एक बार सिलाई कर देते हैं, जिससे हमारे वायर अच्छे से टाइट रहें और इधर उधर बिखरे नहीं। दोस्तों हमने सिलाई पूरी कर ली है और अब हम इसको मोटर को फिट करेंगे। मोटर को फिट करने के पहले हम इसके बुश में थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं, जिससे हमारा अंदर नमी बनी रहे और हमारे बुश जल्दी जाम नहीं होंगे। सबसे पहले हम इसके बैक साइड के हिस्से को फिट करेंगे और इसमें से हम पहले इन तारों को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों हमने इसके पीछे वाले भाग को हमने अच्छे से बैठा दिया है और अब हम आगे वाले भाग को भी हम अच्छे से बैठा देंगे बराबर रखकर, और सभी तरफ बराबर से अच्छे से पुश कर देंगे ताकि ये मोटर हमारी अच्छे से बैठ जाए। ये दोस्तों हमने इसको बैठा दिया है। अब इसके बाद हम इसमें स्क्रू लगाएंगे, पर अभी थोड़ा सा हमारा ये सेंटर नहीं है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। ये दोस्तों हमने इसको बैलेंस कर लिया है, अब हमारे स्क्रू अच्छे से लग सकते हैं इसमें और मोटर भी हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देरी मत कीजिए। हमारे तीनों स्क्रू अच्छे से टाइट हो गए हैं
और हमारी मोटर भी बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो इसके बाद हम इसको चला के चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे सीरीज में ही चला के चेक करेंगे और उसके पहले हम इसमें इसके कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं। दोस्तों कैपेसिटर को हमें ब्लू और ब्लैक के साथ लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड कॉमन है और रेड हमारा कॉमन इसलिए है क्योंकि ब्लू और ब्लैक के साथ हमारा जो सीरीज लेन था वो लगभग बराबर जल रहा था तो इसलिए हमारा रेड वायर कॉमन है। और दोस्तों हमें मेन सप्लाई एक तार रेड पे देनी है और दूसरी या तो ब्लू पे या तो ब्लैक पे, जिस पे हमारी मोटर सही डायरेक्शन में चलेगी हम उसी पे दूसरी सप्लाई जोड़ देंगे और एक वायर हमारा कॉमन पे जरूर रहेगा। दोस्तों हमारे इस मोटर के जो पर हैं वो क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं तो हमें इसको कनेक्शन उसी तार पे देना होगा जिस पे क्लॉकवाइज मोटर हमारी घूमे। तो हम दोनों तार पे चेक करेंगे ब्लू और ब्लैक पे सप्लाई देकर। जिस तार पे हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा हम मेन सप्लाई उसी तार पे देंगे और दूसरा वायर कॉमन वायर यानी रेड पे। दोस्तों मैं इस मोटर की शॉफ्ट पे टेप चिपका देता हूँ जिससे हमारा मोटर घूमेगा तो आपको दिखेगा कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों हमने इस टेप को लगा लिया है और इसके बाद हम सीरीज बल्ब के वायर लेंगे और हम मोटर को चला के देखते हैं। दोस्तों ये सीरीज लैंप का एक तार हम रेड पे लगाते हैं और दूसरा वायर हम ब्लू पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ब्लू पे हमारे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और दोस्तों अगर हम ब्लैक पे लगाते हैं तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसलिए हमें मेन सप्लाई कॉमन तार रेड में और दूसरा वायर ब्लू के साथ जुड़ना होगा। एक बार हम इसको आपको सही से चला के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा मोटर बहुत अच्छे से घूम रही है और चल रही है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ब्लू के साथ, यानी कि हमें सप्लाई रेड और ब्लू में देने पर सही चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा मोटर रिपेयर हो चुका है और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।